खतरों के खिलाड़ी में डेफिनेटली मेरा थॉट है और मतलब सभी मॉडल दिख रहे हैं मतलब यहाँ तो खतरनाक कंपटीशन होने वाला है लेकिन तो लिटरली उनको गुस्सा आ रहा था मेरे पे मारने का मन कर रहा था अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने रूट्स को मत भूल जाता मतलब काइट फ्लाइंग इज नॉट लाइक अ वेलागिरी गुल्ली डंडा खेलता था कंचे खेलता था देन मुझे लगा कि यार मतलब ये मेरी लाइफ का एक मतलब कुछ तो यहाँ से टर्न होने वाला है और जब घायल जब वन आई थी आई गेस तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था

जिंदगी में तो इस टाइम पे सिर्फ पतंगे उड़ा रहे हैं बिकॉज <laughs> <laughs> मेरी मूवी रिलीज हुई है गबरू गैंग एस यस तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे इमोशंस हैं

हम ऐसे जो हाथ पे तो मारने वाला गेम है वो आ, बहुत आ, खेलते या, या, थे हम यस 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 चिड़िया चिड़िया वड़ी जो फिर फंसता था उसकी भी बड़ी पिटाई होती थी जी जी सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज में था तो हमारा बहुत ही हमारे कॉलेज की बहुत ही मेमोरीज है हमारी जैसे हम घूमने जाते थे कनॉट प्लेस जाते थे वहां पर बैठ के हम कार्ड्स खेलते थे ब्लफ खेलते थे सो आई हैव सो मेनी कॉलेज मेमोरीज जूनियर्स के है पता नहीं क्या था मेरा जो लगाव था मेरे बैचमेट से ज्यादा मेरे जूनियर्स के साथ ज्यादा लगाव था ये ऑर्गेनिकली अपने आप हुआ और आई एम स्टिल इन टच विद माई जूनियर्स बट मेरे बैच से बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं टच में हूँ बिकॉज मैं अपने कॉलेज के म्यूजिक सोसाइटी में भी था तो मैं लेक्चर्स बहुत कम अटेंड करे तो मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था मेरे बैच में है कौन कौन तो बहुत कम मैं क्लास अटेंड करता था मैं म्यूजिक सोसाइटी में ज्यादा रहता था एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी आई यूस टू गो टू डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज फेस्ट आई कानपुर और ऐसे बहुत सारे फेस्ट में हम जाया करते थे तो मेरा लगाव मेरे जूनियर्स के साथ ही रहा तो इसीलिए एक्टर बन गया जूनियर्स के साथ ना मेरा भी बड़ा लगाव होता है

हाँ उनको लगता है पतंगबाजी कर रहा है लफंगा गिरी कर रहा है ये पतंगबाजी कुछ थोड़ा है वहीं पे क्रिकेट एक स्पोर्ट है क्रिकेट hmm. खेलने के लोग अकेडमी फुटबॉल एक स्पोर्ट है तुम पतंग, उड़ा रहे हो? पतंग उड़ा रहे हो वेले हो छत पे हो धूप में हो गर्मी हो रही है छत से गिर जाओगे बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती थी पैसे नहीं मिलते थे खरीदने के लिए तो खुद ही बना लेते थे न्यूज पेपर से झाड़ू की सीख लगा के खुद ही बना लेते थे तो बट आफ्टर डूइंग दिस मूवी आई गॉट टू नो दैट इट्स लाइक अ प्रॉपर फुल फ्लेज स्पोर्ट मतलब काइट फ्लाइंग इज नॉट लाइक अ वेला इट्स लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट जिसका एक आई uh, जैसा ही इसका वर्ल्ड <laughs> लेवल पे इसका uh, वो भी होता है इसका एक टूर्नामेंट्स uh, होते हैं सो so, जब मुझे मूवी मिली तो लगा कि यार इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है तो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ा था राइट इसके अलावा क्या क्या पसंद करते हैं आप खेलना खेलने में मैं बचपन में, में मेरे सारे देसी गेम खेलता था गुल्ली डंडा खेलता था कंचे खेलता था मेरे पास आज भी लाइक ऑन रिकॉर्ड आज भी मेरे पास जो बिस्लरी की जो ट्वेंटी लीटर्स की जो बॉटल हाँ, होती हाँ, हाँ. है वो तीन से चार बॉटल्स पूरी फुल विद मार्बल्स कंचे अभी भी मेरे पास पड़े हैं लाइक like, गली में बचपन में सारे लोगों के कंचे जीत जाता था दिल्ली से, थे यूपी से <laughs> मैं से था दिल्ली में हमने कंचे बहुत खेले हैं हमने पतंगे बहुत उड़ाई है हमने छुपन छुपाई जो हाइड एंड सीक करते हैं आज के बच्चे हम तो वेट करते थे दिल्ली में कि रात को आठ बजे लाइट कब जाएगी ताकि हम ऑर्गेनिकली हम छुपन छुपाई खेलेंगे सो हमने वो सारे देसी गेम खेले हैं लेकिन आपका फेस ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो कश्मीर का हूँ मैं कभी धूप में गया नहीं हूँ धूप में सारे गेम धूप में खेले हमने लेकिन इत, इत, इतना रौनक क्यों है फेस पे रौनक अब ये कह सकते हैं घर वालों ने बहुत अच्छे से रखा है <laughs> और मैंने भी उसका थोड़ा ख्याल रखा है अब राइट right, yeah. अब तो लग रखना पड़ेगा अच्छा आपने yes. सनी देओल सर के साथ भी काम किया जी, जी, जी उनकी मूवी में तो कैसा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतने बड़े सितारे के साथ काम करके कैसा मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी सनी देओल के साथ मतलब उनको बचपन से देखा है और जब घायल जब वन आई थी आई गेस तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब और उसके सीक्वल में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ऑपोजिट सनी देओल सर करने का मौका मिल रहा है तो मतलब ये कहते ना कि आई हैड नो गॉड फादर इन द इंडस्ट्री तो और इतना बड़ा रोल मिलना इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी सो so, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को मिला इतने रिनाउंड और इतने वेटरन एक्टर हैं सनी सर थे उसमें ओमपुरी जी सर थे जी. उसके अंदर नरेंद्र झा जी थे उसके अंदर टिस्का चोपड़ा नादिरा बब्बर जी सो so, बहुत बड़ी कास्ट के साथ मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ उन लोगों ने मुझे ऐसा फील ही नहीं कराने दिया कि मैं एक फ्रेशर हुआ आउटसाइडर हूँ मतलब दे ट्रीट मी लाइक देयर ओन चाइल्ड एंड फैमिली की तरह उन्होंने ट्रीट किया और आई हैव लाइक गोल्डन मेमोरीज़ वर्किंग विद दैम कभी सर ने आपको कोई आ, टिप्स दी है कि एक्टिंग को को लेकर लेकर या लाइफ को ले आ, उनसे बहुत कुछ सीखने को ही मिला है इन फैक्ट्री एक यादगार पल की आ, मतलब कि वो मेरे लिए एक ड्रीम डायरेक्टर थे काम करने के लिए सर ने ही डायरेक्ट करी थी वो मूवी right. तो जब भी हम कोई सीन परफॉर्म करने चाहते थे उससे पहले सर बोलते थे कि यू शो मी व्हाट यू हैव इन योर माइंड लाइक मुझे वो बाउंड नहीं करते थे कि ऐसे 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 करना है सो so, डेफिनेटली मेरी पहली मूवी थी तो मैं अभी अपनी प्रिपरेशन करके mm -hmm. गया था तो आई यूज टू तो शो सर कि सर मैंने ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया है क्या कि मैं ऐसे कर सकता हूँ तो ही वॉज सो काइंड कि वो मुझे बोलते थे कि अभिलाष यू जस्ट परफॉर्म आई एल पुट माई कैमराज अकॉर्डिंग टू यू जस्ट शो मी वट यू आर गोइंग टू परफॉर्म सो मतलब इतनी लिबर्टी अगर आपको कोई डायरेक्टर्स दे रहे हैं मतलब मतलब आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर सनी सर अभी आपने कहा कि आपका कोई गॉड फादर नहीं है जी। तो ये ना इंडस्ट्री में आने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है तो आपने कितने पापड़ बेले हैं पापड़ तो बहुत ही बेले हैं मतलब कि जब मैं दिल्ली में था जब मैंने 2012 में मैं बॉम्बे आ गया था आफ्टर कम्प्लीटिंग माई ग्रेजुएशन सो ये मेरे दिमाग में था कि जैसे ही मेरी स्टडीज कम्पलीट हो जाएंगी मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगा okay. और कुछ काम ढूंढूँगा बट लकीली मेरे लिए एक फॉर्चुनेट चीज़ हुई कि uh, जब मैं बॉम्बे आया तो उससे पहले ही मैंने दिल्ली में एक चीज एक शो का ऑडिशन दिया था विच इज़ बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वो यूथ शो था चैनल भी पे आया था सो so, मैं कहूँगा कि मेरे लिए स्ट... पहला स्टेप मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया था कि जब मैं बॉम्बे आया तो आई ऑलरेडी हैड वर्क इन माई हैंड मतलब मुझे मैं वहीं से सेलेक्ट हो गया था और उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप बॉम्बे आ जाइए आप ये शो करने वाले हैं बट वो शो करने के बाद जो मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आके यहाँ का कल्चर देखा कि यहाँ पे एक एक दिन में इतने ऑडिशंस देने हैं और जब मेरा फर्स्ट डे था बॉम्बे में लोखन वाला मार्केट में वॉक कर रहा था और मैं देख रहा था यार हर इंसान यहाँ पे गुड लुकिंग है हर इंसान यहाँ पे वेल बिल्ट चिजल और मतलब सभी मॉडल दिख रहे हैं मतलब यहाँ तो खतरनाक कॉम्पिटिशन होने वाला है बट आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ कि यार मैं अपनी जगह खुद एक बनाऊँगा सो ऑडिशन देते रहे और उसका सिलसिला चलता रहा और काम मिलता रहा काम मिलता रहा कोई ऐसा यादगार काम जो आपको मिला हो और आपको लगा हो यार इससे शायद मेरी लाइफ बदल सकती है बदली है एक्चुअली में वो घायल ही भी मैं बोलूँगा घायल घायल वंस अगेन मैं उस टाइम पे लोटा उत्तर शाह शूट कर रहा था लाइफ ओके okay पे शो आता था जिसमें एजाज भाई थे हमारे भागीश्री जी मैम थी आ, न, नंदिता मैम ने उसको डायरेक्ट किया था लाइफ ओके okay पे आता था तो वाइल्ड शूटिंग दैट शो मुझे कॉल आया था इस घायल के लिए आ, कि हम ऐसे मूवी की कास्टिंग कर रहे हैं बट इनिशियली मुझे लगा कि कोई फेक कॉल है किसी ने मजाक किया मेरे साथ ऐसे दोस्त करते हैं ना हाँ हाँ सनी हाँ मतलब बहुत सारी फेक कॉल्स भी आती हैं यू नो हाउ दिस इंडस्ट्री लाइक वर्क्स कि फेक फेक कॉल्स भी आते हैं फेक ऑडिशन भी हो रहे होते हैं बट तो मुझे भी वही लगा कि यार कोई मुझे क्यों बुला रहा है इसके लिए मैं तो पता नहीं वहाँ तक पहुँचूंगा बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में कैसे होगा तो फोन आया फिर मैंने अपने कलीग से डिस्कस किया यार ऐसे ऐसे ऑडिशन हो रहा है बट जो ऑडिशन वेन्यू था वो सनी सुपर साउंड था सनी विला जो सर का जो ऑफिस है जूह में जो ऑफिस है तो फिर मुझे बोला गया कि यार उनके ऑफिस में हो रहा है तो वहाँ फेक ऑडिशन नहीं होगा एटलीस्ट गो एंड गिव गविट ट्राई वहाँ देखो गलत होगा तो होगा एटलीस्ट ट्राई तो करो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ देखा कि यार इतने सारे लोग आए हैं ऑडिशन देने के लिए कैसे बात बनेगी बट पूरे प्रोसेस के बाद मैंने अपना ऑडिशन दिया जो भी एक पूरा उनका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ काफ़ी लंबा था वो करते 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 एक हर स्टेज पार पार करके जब मैं फाइनली सनी सर से मिला देन मुझे लगा कि यार मतलब ये मेरी लाइफ का एक मतलब कुछ तो यहाँ से टर्न होने वाला है एंड डेफिनेटली उसके बाद मेरी लाइफ में थोड़े चेंजेस आए मतलब एक बॉलीवुड जो इतना बड़ा डेब्यू मिला मतलब इससे अच्छा डेब्यू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था या। इंडस्ट्री में जो जो कोई भी आता है बड़े बड़े सपने होते हैं मुंबई शहर है तो ऑब्वियसली सपनों का घर कहा जाता है सपनों का शहर यू you नो know, uh, किस तरह की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ड है कॉम्प्रोमाइज चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो कभी उसका सामना करना पड़ा किसी जी. ने कुछ कहा हो ऐसा जी वहाँ मतलब ऐसा तो होता ही रहता है बट आपको स्मार्टली उस चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए आतलब, क्या टैकल मतलब मतलब ओके सो सो ये गे एनकाउंटर्स हुए ही हैं तो बट उसके बाद बहुत ही स्मूथली बिकॉज मैंने उनको बोला कि आई डोंट बिलीव इन दिस बाटर सिस्टम की कुछ मिलेगा Butter, right. कि कुछ मुझे दो मैं तुम्हें काम दूंगा या मेरे साथ तुम ऐसे टाइम स्पेंड करो तो मैं तुम्हें काम दूंगा सो so, मैं बहुत ही क्लियर था एक uh, कि uh, भाई अगर इफ यू थिंक दे समथिंग इन मी इफ यू थिंक दैट देर सम स्पार्क इन मी तो इन कैश दैट पार्ट मतलब अगर आपको लगता है कि आप मुझे काम देखे कुछ फ़ायदा उससे उठा सकते हो तो वो फ़ायदा उठाओ बाकी बाकी चीज़ों में मैं बिलीव नहीं रखता सो आई वॉज वेरी अप्रंट और वो चीज़ें अभी तक वैसी ही हैं और अब मेरे सब, अब तो ऐसा अब उतना इनकाउंटर नहीं होता बट इनिशियल डेज में होता था ऐसे रियलिटी शोज आजकल बहुत आ रहे हैं जैसे हमने बिग बॉस देखा स्प्लिट विला एंड ऑल तो कभी ऐसा मन किया कि बिग बॉस में भी जाने का क्योंकि बहुत सारे जैसे सेलिब्रिटीज है से, करण कुंद्रा एजाज खान बहुत लोग जा रहे हैं मतलब मैं उतना फॉलो नहीं करता बिग बॉस और बिग बॉस नहीं बट मुझे आई लव फिटनेस मैं okay. uh, मतलब मैं वर्क आउट के खिलाड़ी में डेफिनेटली मेरा थॉट है कि अगर इफ आई एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली आई विट डू दैट बट बिग बॉस मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा कोई थॉट नहीं है क्यों क्यों big, क्यों? Big boss, big boss, क्यों? क्योंकि बिग बॉस क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है और आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है और अननेसेसरी आपको कुछ स्किट्स बनानी पड़ती है जो आई एम नॉट गुड एट दैट

का बहुत ही रॉयल दिख रहा है मैं प्रोमोस देख पाया प्रोमो देखा बाकी मैं इंस्टा पे फीड पे आता रहता है प्रमोशन में तो वो सब देखा तो बहुत ही रॉयल लग रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं मतलब पदमावत जैसी मूवी रामलीला इतनी खत इतनी आइकॉनिक मूवीज़ उन्होंने बताई बनाई हैं सो डेफिनेटली ही इज़ इन माई बकेट लिस्ट लाइक लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट कि मैं उनके साथ काम करूँगा भी कोई ऐसा compliment जो किसी 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 ने 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 आपको दिया हो आपके फैन ने या फिर किसी भी किसी ने भी सेट पर। हाँ, मतलब मैं uh, मैं उसको compliment ही मानूंगा कि जब मैं घायल, जब घायल uh, के सा, like, साथ देखने गया स्वीट बॉय और आपने इतना विलन वाला कैरेक्टर और इतना कि उनको गुस्सा आ रहा था मेरे पे मारने का मन कर रहा था मूवी देखने के बाद क्यों इतना परेशान कर रहे हैं तो आई थिंकमेंट मतलब एक स्वीट सा क्यूट लुकिंग बॉय इतना विलन और इतना एग्रेसिव कैरेक्टर भी कर सकता है सो आई थिंक दैट्स अ लाइक अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी किसी फैन ने आज तक देखिए कभी हम जाते हैं तो फैन टूट पड़ते हैं कि यार मतलब हमने सामने से उन्हें देख लिया तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ इक किसी इक फैन ने एक्जेक्टली ऐसे पीछे पड़े तो पीछे, पीछे मतलब कि तो एयरपोर्ट पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि एक लड़की आई एंड शी लाइक आई आर यू इन रियलिटी आर यू द अभिलाष आई जस्ट टच यू जस्ट वैसे स्वीट स्वीट मोमेंट्स हुए <laughs> <for that. laughs> <laughs> yeah. so, हैं है कि जो बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने रूट्स को मत भूल जाओ सो दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी की टू रीच नथिंग सो लाइक योर क्लोज फ्रेंड्स योर फैमिली ऑलवेज बी ग्राउंडेड ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है लोगों की बट सक्सेस के बाद कुछ थोड़ा कुछ काम करने के बाद लोगों में एयर आ जाती है hmm. कि आ, अब तो मैं ये बन गया हूँ अब मैं और आगे चला जाऊँगा ये तो बाकी रिलेशन को और उतनी फैमिलीज को और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको उनकी वैल्यूज ख़त्म हो जाती हैं तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए जब सक्सेस हिट करे तो यू शुड हैव योर ओन ऑनराज टू सेलिब्रेट अकेले सक्सेस का क्या फ़ायदा राइट right.

दिल्ली में पुरानी दिल्ली है दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह है सी है दिल्ली में मेरे कॉलेज के पास यूपीएससी की चार्ट है आप लाजपत नगर जा सकते हैं खाने के लिए मुझे, मुझे मोमोज बहुत पसंद दो है मोमोज और छोले भटूरे मोमोज कितना दिख भी रहे हैं मोमोज देख रहे ये ये सब मोमोज की वजह से आया थोड़ा बहुत आया भी मैं डेली गया था प्रमोशन के लिए सो मोमोज मोमोज इज लाइक अ मस्ट मस्ट हैव व्हेनेवर आई दिल्ली दिल्ली और मुंबई के मुंबई में तो मोमोज के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है, है। मोमोज की वो ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं है जितनी दिल्ली में है जैसे कि यहाँ पे वड़ा पाव ज्यादा चलता है और दिल्ली में वड़ा पाव उतना फेमस नहीं है अभी कोई वड़ा पाव गर्ल फेमस पाव गर्ल राइट चंद्रिका हाँ मतलब ठीक है हाँ ठीक है नहीं 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 मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ अपने बॉम्बे शहर में अभी इस टाइम पे अच्छा अमृतसर में क्या खाया था अमृतसर में हमने बहुत सा पर आवादा ढाबा है एक करके जगह है वहाँ पे जैसे मैंने उसी तरीके से बोला मतलब ब्रदर्स ढाबा बरावादा ढाबा तो वहाँ पर हम जाते थे वहाँ पे लस्सी पीते थे और ज्ञानी करके एक जगह है ज्ञानी हाँ कान काना स्वीट है वहाँ पे छोले भटूरे खाते थे मैं सारे आपको ऑथेंटिक जगह बता रहा हूँ अमृतसर में जो है जैसे एक काना स्वीट्स के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं वहाँ पे लस्सी के साथ इतना बड़ा और लस्सी भी स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं इतना बड़ा पीतल का ग्लास आता था उसके ऊपर पूरी मलाई छोले भटूरे खाओ

वर्ल्ड फर्स्ट फिल्म इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन काइट फ्लाइंग सो प्लीज अगर आपके नियरेस्ट आपके घर के आसपास पास किसी सिनेमा में लगी है तो प्लीज आप जाइए अपने रिव्यूज दीजिए अपना प्यार दीजिए बहुत ही प्यार से बनाई है हमने मूवी सो प्लीज गो एंड वॉच कपरू गैंग अच्छा कोई आने वाले जो आप शेयर करना चाहे? आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बट आई के नॉट रिवील एट दिस मोमेंट बट सून म्यूजिक वीडियो तो मैं खुद गाता हूँ सो so, मैं इस मूवी में ओहोह

होता ना क्या लड़की गई है मैं नहीं गया ये दोनों ही हुए मतलब आ? मैं भी कभी गया हूं, मेरे पास भी बहुत आए हैं सो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रहा है सो या ऐसा रहे चलो चन्ना मेरे हो जाए सो चन्ना मेरे अभिलाष कुमार की आवाज mm, है तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ, मेरे आ बेलिया

गाने को छोड़ा नहीं माई सिंगर सो उनकी वजह से ही जो मैंने कहीं सीखा नहीं है बट थोड़ा बहुत जो गुनगुना लेता हूँ उनकी वजह से ही है तो वैसा पर्टिकुलर पेज बनाया आपने गाने का बनाना चाहिए मुझे लग रहा है गाने का पेज नहीं है बट मेरे दो तीन गाने मेरी आवाज में आ चुके हैं लाइक पहला गाना जो मेरा आया था वो आया था मेरे महबूब कयामत होगी को कया जी जी उसका रिक्रिएट किया था सारे गाँ ने रिलीज किया था सो काफी अच्छा लगा था वो गाना बहुत लोगों को पसंद भी आया था सो अगर आपको मौका मिले तो आप मेरा गाना देखिएगा मेरे महबूब कयामत होगी थैंक यू सो मच हमसे इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए मुझे लगता है जो विवर्स है ना बहुत खुश हो जाए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर